ना दाल ना सब्जी ना ही रायता, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल इस डिश को बना लीजिए, फिर चावल रोटी पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ फुल एंजॉय करके पेट भर के खाइए। इसे खाने के बाद मन खुश हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी शानदार रेसिपी बनती है ना कि आपने एक बार बना लिया ना तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। चलिए तो इस आसान सी रेसिपी को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। चलिए तो इस जबरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए। इस बाउल में हम दही ऐड करेंगे। मैंने ये दही घर में ही जमाया हुआ है और ये लगभग मैं आधा किलो दही ले रही हूँ। आप दही कोई भी ले सकते हैं। और देखिए, दही का आपको ध्यान रखना है, ना तो दही आपकी बहुत खट्टी होनी चाहिए ना ही मीठी होनी चाहिए। हल्की सी एक खटास के साथ जो दही तैयार होती है वैसी दही आपको लेनी है। और चलिए, इस दही को लेने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि ये स्मूथ सी बन जाए। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करके बना लेना है। तो देखिए, अब दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसके बाद हमें इस दही में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्याज। तो देखिए, प्याज के मैंने लंबे लंबे इस तरह से स्लाइसेस कर लिए हैं और बिल्कुल पतले और लंबे स्लाइसेस आपको कर लेने हैं। तो मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरह से पीसेज में कर लिया। और इसके बाद हम ले रहे हैं बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबला हुआ आलू। तो दो मैंने मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे, उनके भी मैंने पीसेस कर लिए हैं। इसको भी इसी दही में हम ऐड कर लेते हैं। इसमें ढेर सारा चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, आप प्याज ना खाते हैं तो प्याज को आप इसमें से हटा सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल ली है, आधा चम्मच के करीब। और देखिए, छोटी चम्मच से एक चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। और छोटे चम्मच से एक चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने छोटी चम्मच से एक चम्मच इसमें काला नमक ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड, जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना कि मैंने जब इसे बना के खाया तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। चावल के साथ खाने में तो इसे मज़ा आ गया था। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाना बहुत आसान है लेकिन इसका स्वाद बहुत ज़्यादा हटके आता है। अब देखिए, एक मैंने पैन ले लिया है, छोटा सा जो तड़का पैन होता है वो ले लिया। उसमें मैंने सरसों तेल ऐड कर लिया, तो दो चम्मच के करीब मैंने सरसों तेल इसमें डाल दिया है। और सरसों तेल जो है गर्म गया। इसके बाद मैंने एक चम्मच इसमें सरसों के दाने डाले, आप राई भी डाल सकते हैं। और मैंने देखिए 4 से 5 चुटकी इसमें हींग डाली है। और देखिए, सरसों तेल का ही आप यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हो सके तो अगर आप सरसों तेल ना खाते हो तो आप कोई और ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा चटक जाए इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं ली है मैंने, ये 2-3 चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर ली है। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें आधा चम्मच ऐड कर लिया है। और इसके बाद देखिए, मैंने 3 से 4 हरी मिर्च के बारीक बारीक पीस करे थे, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसको मैंने बाद में डाला जिससे कि हरी मिर्च जो है ना ज़्यादा भुन जाएगी ना तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी ना हरेपन में रहेगी ना तो बहुत देखने में डिश में अच्छी भी लगेगी। अब इन सभी चीज़ों को हमने हल्का सा चटका लिया। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी जो है ये आधा चम्मच इसमें डाल दिया। बहुत अच्छा फ्लेवर इस तरह से आता है इसमें। चलिए तो ये झटपट से तड़का हमने रेडी कर लिया है। और जो हमने अभी दही में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे हैं उसमें हम गर्मा गर्म ही तड़का मार लेते हैं इसमें। तो देखिए, तड़का लगाते इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा ये खुशबूदार और बहुत स्वादिष्ट इस तरह से ये डिश बन के रेडी होती है। वैसे फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको इसका नाम नहीं बताया है, ये नेपाल की साइड डिश है और वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। वहाँ के लोग, आपको जैसा पता ही होगा कि चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो चावल के साथ इस डिश को वो अक्सर बनाते रहते हैं और इसे वहाँ चुकाउनी कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होती है।
तो सोच क्या रहे हैं फ्रेंड्स, जाइए किचन में, दही लीजिए और जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाले वो सब तो आपके घर में होते ही हैं। बना के एक बार ट्राई तो कीजिए, मज़ा आ जाएगा। आप बच्चों को भी इसे जब देंगे ना तो देखिएगा बच्चे ना बार बार इसे मांग के खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटपटी और बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट रेसिपी बन के रेडी होती है। आप चावल बनाइए, उस पर डाल के बच्चों को दे दीजिए और देखिए बच्चे जो दाल सब्जी के साथ चावल ना खाते हो ना, आप इसे जब उसे डाल के देंगे ना तो देखिएगा हर बच्चा इसे बड़े शौक के साथ खाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब चुकौनी बनाने के बाद मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, थोड़े से मैंने गर्मा गर्म चावल बना रखे थे, अब उसमें थोड़ी सी चुकौनी डालती हूँ और इसका स्वाद लेती हूँ कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसे खाया ना मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब मैंने तो सोच रखा है जब मुझे दाल या सब्जी नहीं बनाने का मन होना तो मैं इस चुकौनी को बनाऊँगी चावल के साथ, इसे फुल इंजॉय करके खाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक का बटन दिया हुआ है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इस रेसिपी को देख सकें और बना सकें। और अगर इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।